70s, वेलकम टू इजी वे कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और गाइस आज की इस वीडियो में हम अपने टॉपिक सेकंड चैप्टर के कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने उसके मीनिंग को पढ़ा था, उसके मेरिट्स डीमेरिट फीचर्स को। आज के इस वीडियो में हम उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि कितने टाइप की हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। सो गाइस टोटल 6 टाइप की हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जिसमें पहली आती है कंज्यूमर, सेकंड प्रोड्यूसर, मार्केटिंग, फार्मर, क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अभी मैं आपको सबके बारे में बताऊंगी, बट सबसे पहले गाइस क्या अभी तक आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब समझ आया है? सो नहीं आया तो मैं दोबारा बताती हूँ। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जब लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं गाइस? एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, यानी कि एक दूसरे के वेलफेयर के लिए एक सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। और उसमें वो जो भी काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या होता है? वेलफेयर। वेलफेयर किन का? जो भी उस सोसाइटी के मेंबर है। आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है, अदरवाइज वो लीगल नहीं मानी जाएगी, तो उसे रजिस्टर्ड कराना भी ज़रूरी होता है। अब देखो गाइज जैसे कैसे वेलफेयर किया जाता है किस पर्टिकुलर सोसाइटी का, तो देखो कंज्यूमर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है बेसिकली ये फॉर्म की जाती है किस लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है इसमें? तो बेसिकली इसमें जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स को खरीदा जाता है, यानी कि जो चीज़ें हमें बाहर महंगी मिल रही हैं ये लोग जो सोसाइटी बनाते हैं ये लोग उन्हीं चीज़ों को सस्ते दाम बल्क में खरीदते हैं, तो सस्ती पड़ती है इन लोगों को, तो ये खरीद के लेके आते हैं और ये फिर आगे अपने मेंबर्स को बेचते हैं। तो महंगे दामों पे नहीं बेचते, ये सस्ते दामों पर बेचते हैं। वेलफेयर का मतलब तो यही हुआ ना। सो जो भी इस्टेब्लिश होता है गाइस वो क्यों किया जाता है? हमें हमारे कंज्यूमर्स को बचाने के लिए, ठीक है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए। सेकेंडली मेंबर्स कौन बन सकते हैं गाइस? द मेंबर कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर कोई भी कंज्यूमर गाइस इसका मेंबर बन सकता है। डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल, जो भी गाइस अपने सस्ते दामों पर सामान लेना चाहता है वो इसका मेंबर बन सकता है। थर्ड चीज़ क्या है गाइस? क्या एम, क्यों बनाई जाती है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो सोसाइटी का मेन एम क्या होता है? मिडल मैन को हटाना एंड अचीव करना इकॉनमी इन ऑपरेशन, यानी कि सस्ताई लेके आना, सस्ताई तो नहीं बोलेंगे, सस्ती चीज़ें लेके आना, ठीक है। तो बेसिकली ये सोसाइटी क्यों बनती है गाइस? ताकि हम लोग बल्क में क्वांटिटी सस्ते में खरीद सके और अपने मेंबर्स को सस्ते में दे सके। बहुत जगह पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की शॉप्स भी खोल दी जाती है, ताकि वहाँ पे सस्ते दामों पर, मार्केट रेट से सस्ते दामों पर आपको ग्रॉसरी का सामान वगैरह मिल सकता है, ठीक है। अब इसके बाद है कैसे ये काम करती है, तो मैंने आपको क्या बताया कैसे काम करती है गाइस? इट परचेज गुड्स इन अ बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर, यानी कि वो होलसेलर से सस्ते दामों में सामान खरीदते हैं, एंड सेल गुड्स टू द मेंबर, देयर बाय एलिमिनेटिंग द मिडलमैन, मिडलमैन के प्रॉफिट को ये हटा डालते हैं। और अगर प्रॉफिट कुछ कमाते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ आइदर देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी और परचेज मेड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स में आपस में प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही लिमिटेड होता है, ज़्यादा नहीं होता, बट ये है कि वो किसके हाथों में जाता है गाइस? मेंबर्स को ही मिलता है। किस वे में मिलता है? या तो उन्होंने जिस हिसाब से कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है या फिर जिस हिसाब से उन्होंने बल्क में खर्चा किया, तो जितने ने जितना पैसा लगाया उसको उस हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। तो बेसिकली इसका एम क्या था? मिडल मैन को हटाना, ठीक है, और सस्ते दामों पर कंज्यूमर्स तक सामान पहुँचाना। अब आती है बात हमारी प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? अभी तक हमने कंज्यूमर का बेनिफिट देखा था, अब प्रोड्यूसर्स का क्या है गाइस? ये बेसिकली क्यों इस्टेब्लिश करी जाती है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। देखो बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, तो वो मार्केट पर अपना राज कर रहे होते हैं और स्मॉल प्रोड्यूसर्स राज नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो भी सामान खरीदते हैं वो कम क्वांटिटी में खरीदते हैं, कम में खरीदते हैं तो उन्हें महंगा मिलता है, महंगा मिलता है तो उनका प्रोडक्ट महंगा बनता है, तो कोई ख़रीदता नहीं है। वहीं अगर बड़े प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो बड़े प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ना गाइस वो सस्ते दामों पर सामान खरीदते हैं क्योंकि बल्क में खरीदते हैं, ठीक है। तो ये सोसाइटी प्रोड्यूसर्स के लिए बनाई जाती है, लेकिन कौन से प्रोड्यूसर्स? स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए, ठीक है। वो मिलकर बनाते हैं कि चलो हम तुम्हारे 100 यूनिट मंगाने, मेरे 100 यूनिट, उसके 100 यूनिट, तो ऐसे मिलकर बल्क क्वांटिटी बन जाती है, तो उन्हें भी चीज़ें सस्ती पड़ती हैं। अब इसके मेंबर कौन बन सकता है गाइस? तो मेंबर कौन बन सकता है? जो भी हमारा प्रोड्यूसर होगा जो इंटरेस्ट ले रहा है भाई सस्ते चीज़ें खरीदने में, वो इसका मेंबर बन सकता है, ठीक है। सो द मेंबर कंप्राइज ऑफ प्रोड्यूसर डिजायरस ऑफ प्रोक्योरिंग इनपुट फॉर प्रोडक्शन फॉर गुड्स टू मीट द डिमांड ऑफ कंज्यूमर। जो भी प्रोड्यूसर खरीदना चाहते हैं सामान वो बन सकता है।
एंड इसके बाद है गाइस क्यों बनाई जाती है, तो अभी आपको पता चला ना सोसाइटी का मेन मकसद क्या है, बिग कैपिटलिस्ट एंड एनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि बड़े जो प्रोड्यूसर हैं उनसे हम लड़ सके, हम भी सस्ते दामों पे, लड़ने का मतलब ये नहीं है तलवारें लेके चले जाएं, लड़ने का मतलब ये होगा कि भैया सस्ते दामों पर चीज़ खरीद के लाएं, ठीक है, और फिर उन्हें बनाकर हम अपने क्या करें कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करें। अब ये कैसे काम करता है गाइस देखो, इट सप्लाई रॉ मटेरियल इक्विपमेंट एंड अदर इनपुट टू द मेंबर, यानी कि जो भी सामान हम रॉ मटेरियल हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, क्योंकि हम बल्क में खरीदते हैं तो हमें सस्ता पड़ता है, मिडल मैन हट चुके होते हैं इसमें से, तो हमें प्रोड्यूसर्स को ये चीज़ें सस्ती पड़ती हैं, तो हम उन लोगों को ये सारा सामान पहुँचाते हैं एंड प्रॉफिट जो होता है अगेन जिस हिसाब से उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई होती है, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी होती है, उस हिसाब से प्रोड्यूसर्स में उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब गाइस बात आती है हमारी थर्ड, दैट इज़ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये तो देखो कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए थी, ये प्रोड्यूसर के लिए थी, तो मार्केटिंग किसके लिए गाइस? जो मार्केटिंग है ना बेसिकली ये मार्केटिंग के फंक्शन के लिए है, यानी कि है ये भी प्रोड्यूसर्स के लिए ही, कि प्रोड्यूसर्स के जो मार्केटिंग का फंक्शन वो नहीं कर पाते तो अब वो ये सोसाइटी फॉर्म करके कर सकते हैं। अब आपको पता है या नहीं है, आपको पता है मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ सामान को बेचना नहीं गाइस, सामान को स्टोर करना, सामान को सही दामों पर लेना, सामान का सेलिंग करना, प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ मार्केटिंग में आता है। तो ये जो सोसाइटी है वो कौन इस्टेब्लिश करता है, किसके लिए करता है? स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट, ताकि वो अपने सामान को सही दामों पर बेच सके। द मेंबर कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइस फॉर देयर आउटपुट। कौन मेंबर बनता है गाइस? जो अपने सामान को बेचना चाहता है वो भी क्या कहते हैं रीजनेबल प्राइस पर, ताकि उनको मार्केटिंग की कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े, ठीक है। अब इस सोसाइटी का एम क्या है? अगेन मिडल मैन को हटाना एंड इम्प्रूव करना कम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ इट्स मेंबर बाय सिक्योरिंग फेवरेबल मार्केट फॉर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। बेसिकली ये काम कैसे करता है, देखो मेन क्या है इसका, एम तो प्रोड्यूसर्स के लिए है ही, हमें पता है सोसाइटी में प्रोड्यूसर्स के लिए है, ये सोसाइटी बनाई ही गई है इसलिए ताकि प्रोड्यूसर की हेल्प हो सके, किस चीज़ में? मार्केटिंग में। बट ये काम कैसे करते हैं गाइस? ये बेसिकली अपनी सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर्स को जो उन्हें बाहर से मार्केट में महंगी मिलेगी। कैसी सर्विसेज गाइस? परफॉर्म मार्केटिंग फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ये सारी सर्विसेज वो उन्हें सस्ते दामों पे देता है ताकि वो अपने प्रोड्यूस अपने सामान को गाइस सही प्राइस पर बेच सके। अदरवाइज़ अगर देखो मुझे अगर चीज़ बेचने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, मेरे को 50 रुपये की मेरी चीज़ बनी और मुझे बेचने पर भी 50 रुपये लग रहे हैं, तो मैं मार्केट में 100 की बेचूंगी, बट मेरा कॉम्पिटिटर 80 की बेच रहा है तो लोग तो जाके 80 की खरीदेंगे ना, मेरे से 100 की क्यों खरीदेंगे? तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है मार्केटिंग की, ये बेसिकली हमारी इस कॉस्ट को, मार्केटिंग कॉस्ट को कम कर देती है, 20-30 रुपये बना देती है, ताकि हम भी मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस पर आ सकें। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल वेयर हाउस लेंगे हमें महंगा पड़ेगा, हम पैकेजिंग कराएंगे हमें महंगी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन अगर यही काम हमारी सोसाइटी करती है एक लार्ज स्केल पर तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है और हमें वो सारी चीज़ें सस्ती पड़ती है, वेयर हाउसिंग का किराया सस्ता पड़ता है, सामान सस्ता पड़ता है। अभी समझ आई बात? ठीक है। अब गाइस देखो ये तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करना, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरी आईडी है तबिता मैसी, ठीक है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो जैसा नाम है मैंने बोला वैसी सोसाइटी है, फार्मर्स की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये बेसिकली फार्मर्स के लिए बनाई जाती है, ठीक है। फार्मर्स को क्यों, मतलब फार्मर्स के लिए क्यों बनाई जाती है? ये कौन शोर मचा रहा है इतना? सो फार्मर्स के लिए क्यों बनाई जाती है गाइस? तो बेसिकली फार्मर्स के लिए इसलिए बनाई जाती है ताकि फार्मर्स को सस्ते दामों पर चीज़ें मिल सके। देखो उनका काम खेती करना है, लेकिन अगर उनको खेती की चीज़ें महंगी पड़ रही है तो कैसे चलेगा, क्योंकि उनको पता है कि आगे भी जो सामान बिक रहा है वो सस्ता ही बिकता है, बल्क में बिकता है, तो इसलिए उनको सामान सस्ता पड़े। सामान कौन सा गाइस? इनपुट, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, आपके बीज आ जाते हैं, सीड्स जिसे हम बोलते हैं, फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, उनके ट्रैक्टर वगैरह हैं, मतलब चीज़ें जो उनकी यूज़ होती है फार्मिंग में, तो वो सारी चीज़ें उन्हें सस्ती मिल सके। तो दीज सोसाइटी आर इस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट एट अ रीजनेबल कॉस्ट, ताकि हम उन्हें रीजनेबल कॉस्ट पर उनके इनपुट्स
मतलब दे सके, ठीक है। कौन मेंबर होते हैं गाइस? तो फार्मर्स ही इसके मेंबर्स होते हैं मिलकर, जो ये बेसिकली सोसाइटी को बनाते हैं और एक दूसरे का बेनिफिट करते हैं। क्यों बनाई जाती है गाइस? देखो, लार्ज स्केल पे फार्मिंग के लिए और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। इसमें पता है आपको ये भी होता है कि फार्मर्स आपस में मिलकर क्या कहते हैं, छोटे छोटे उस पर ना खेती करके एक बड़े स्केल पर भी करते हैं कि भाई मेरे पास इतना वो रखा है, लैंड है, तुम्हारे पास इतना है, चलो मिलकर करते हैं। तो उनसे उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इसका एम क्या होता है? बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब कैसे काम करता है गाइस? सच सोसाइटी प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड अदर मॉडर्न टेक्निक फॉर यूज़ इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो भी हमारी खेती होती है क्रॉप्स की गाइस, उसमें हम उन्हें सस्ते दामों पर चीज़ें दिलाते हैं। एंड दिस हेल्प नॉट ओनली इन इम्प्रूविंग द यील्ड एंड रिटर्न टू द फार्मर्स, बट ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद फार्मिंग ऑन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। यानी कि ये सिर्फ इसी चीज़ में हेल्प नहीं करती, जो चीज़ मैंने अभी आपको बोली कि फ्रेगमेंटेड यानी कि टुकड़ों में होल्डिंग नहीं होती, फिर आपस में फार्मर मिलकर इकट्ठी खेती करते हैं और इकट्ठा अपना सामान बेचते हैं, तो उन्हें दाम भी अच्छा मिलता है। अब इसके बाद गाइज हमारी नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बनाई जाती है गाइज? क्रेडिट का मतलब क्या होता है? अभी अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा, उधार, राइट? सो बेसिकली ये सोसाइटी इसीलिए बनाई जाती है ताकि हम उधार जो है वो रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर अपने मेंबर्स को दे सकें। यानी कि उनसे अगर बाहर जो है इंटरेस्ट बहुत महंगा पड़ रहा है, तो हम ये सोसाइटी बनाते हैं ताकि आपस में हम लोग पैसा मिलाते हैं और जिसको ज़रूरत होती है उसको दे देते हैं, लेकिन उससे इंटरेस्ट बहुत मिनिमम चार्ज करते हैं, ठीक है, ताकि सोसाइटी में एक इंटरेस्ट भी बना रहे सबका कि भाई थोड़ा तो बेनिफिट हो रहा है हमें इसमें, और जब जिसकी ज़रूरत हो वो उधार पैसा भी ले सके। अब इसके मेंबर कौन होते हैं? पर्सन हु सीक फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन। वही लोग जिन्हें लोन की ज़रूरत है वो इसके मेंबर बन जाते हैं। एम क्या होता है गाइस? एम होता है इस सोसाइटी का प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेंडर हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। उन लोगों से बचाना जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पर लेते हैं, उन लेंडर्स से बचाना, उन देनदारों से बचाना, और अपनी एक हम सोसाइटी बना लेते हैं। लाइक आप समझो कि मैं आपके साथ मिलकर 10 लोगों की टीम बना लूं और हम पैसा जोड़ें और जिसको ज़रूरत हो उसको पहुँचा दें, ठीक है, फिर हम दोबारा पैसा जोड़ें। ऑफकोर्स इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि कौन, हर किसी को एक पर्टिकुलर अमाउंट कंट्रीब्यूट करना होगा। ये नहीं कि कोई 10 ला रहा है, कोई 20 ला रहा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे और एक जने की हेल्प करेंगे। ऐसा जनरली आप अपने आस पड़ोस में कमेटी वगैरह के रूप में देख सकते हो, जैसे हमारी मम्मी वगैरह कमेटी डालती है ना, उसमें देखा जाता है। क्या फंक्शन होता है गाइस इस सोसाइटी का? ये लोन प्रोवाइड करती है, जो भी अमाउंट कलेक्ट किया जाता है एज अ कैपिटल एंड डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर एंड चार्ज अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। बड़ा ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब गाइस लास्ट हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे ये बेसिकली हाउस से रिलेटेड है, जिसमें बेसिकली उन लोगों को जिनके पास पैसे की कमी है उनको हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट करके दिया जाता है मिनिमम कॉस्ट के अंदर, ठीक है। तो जो नहीं बना सकते अपना घर खुद से, तो उनका घर बना के दिया जाता है और उनको ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप हमें पैसा बाद में इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। तो यानी कि मेन है उनका घर बना के देना, ठीक है। सो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए एस्टेब्लिश की जाती है टू हेल्प विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउस एट अ रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। कौन मेंबर बन सकते हैं गाइस? जिसको घर की ज़रूरत होगी वही बनेगा भाई। सो द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर डिजायरस ऑफ प्रोक्योरिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एट अ लोअर कॉस्ट, ठीक है। क्या मेन मकसद होता है इसका? तो ये तो अब आप भी बता सकते हो। द एम इज टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर बाय कंस्ट्रक्टिंग उनका घर बना के एंड गिविंग द ऑप्शन ऑफ पेइंग इन इंस्टॉलमेंट। और हम उन्हें ऑप्शन देते हैं कि भैया आपका घर 5 लाख में बनाएं, आप इकट्ठा पैसा मत दो, आप हमें इंस्टॉलमेंट में दे देना। तो देखो कितनी मदद हो जाएगी एक बंदे की। इसके बाद गाइज कैसे काम करता है? दी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट फ्लैट और प्रोवाइड प्लॉट टू मेंबर ऑन विच द मेंबर देमसेल्फ कैन कंस्ट्रक्ट द हाउस एज पर देयर चॉइस। वो खुद बनाना चाहे, उनको सस्ते दामों पर ज़मीनें मुहैया कराना, उनको घर मुहैया कराना, दोनों ऑप्शन ये देता है। अब आप खुद बनाओ, अगर नहीं बना सकते तो सोसाइटी बना के दे देगी और आपको ऑप्शन भी देगी कि आप इकट्ठा पैसा पे कर सकते हो या फिर इंस्टॉलमेंट में। सो गाइज ये थे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती भी हैं।
आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। एंड अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा गाइज। और इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, आईडी है तबिता मैसी। थैंक यू।